अगले हफ्ते तीन बड़े शोज में तीन बड़े धमाके होने वाले हैं। ये तीन बड़े शोज कोई और नहीं बल्कि बैरिस्टर बाबू नमक इश्क का और मोल की है। आपको बता दें कि ये तीनों शोज में हाई वोल्टेज ड्रामे चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मोल्की की। मोल्की में जैसा कि हमने आपको अपडेट दिया था कि किस तरीके से अब सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब शो में साक्षी की एंट्री होने वाली है। अब साक्षी शो में आ चुकी है, तो ऐसे में पूर्वी की मुलाकात साक्षी से हो गई है। जी हाँ, पूर्वी जो है वो साक्षी को घर लेकर आएगी। जी हाँ, मुखिया के घर लेकर आएगी। और फिर अभी फिलहाल साक्षी को सबसे छुपा कर रखेगी पूर्वी, क्योंकि अभी उसे ये मालूम करना है कि 8 साल पहले क्या हुआ था और 8 साल तक साक्षी को किसने कैद किया था। वेल, यहाँ पर मुखिया जो है महाशिवरात्रि के मौके पर जो है वो पूजा करते हुए दिखाई देंगे, वो भी साक्षी के नाम की। आपको बताते चले कि यहाँ पर मुखिया और पूर्वी बहुत नज़दीक आ रहे हैं, जहाँ मुखिया ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। लेकिन अब साक्षी की एंट्री से शो में क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं सीरियल नमक इश्क की। नमक इश्क में युग जो है वो कहानी का दोस्त बन गया है। जी हाँ, उसने कहा है कि जब तक तुम्हारे माँ बाबूजी नहीं मिलते हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तब तक दोस्त बनकर रहूंगा, लेकिन जब माँ बाबा मिल जाएंगे तो फिर कट्टी हो जाएगी। लेकिन ऐसे में घर वाले जो है वो कहानी और युग को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं एक साथ। अब तो युग की माँ ने कहानी और युग दोनों को ये बात कह दी है कि अगर कहानी इस घर में आएगी तो वो इस घर से चली जाएगी। वेल, इतना ही नहीं, अब जो है युग और कहानी एक फैसला लेंगे, वो दोनों ही घर छोड़ देंगे। देखना दिलचस्प होता है कि क्या ये घर छोड़ने के बाद इन दोनों के बीच के फासले कम होते हैं या नहीं। वेल, अब बात करते हैं बैरिस्टर बाबू की। बैरिस्टर बाबू में अनिरुद्ध क्या सोच रहा है और क्या ट्विस्ट आने वाला है, ये सब कोई सोच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अनिरुद्ध और मनोरमा की शादी नहीं होगी। अगर ये शादी होती भी है तो ये सिर्फ दिखावा होने वाला है और सिर्फ बोंदिता को सही रास्ते पर लाने के लिए। हालांकि अनिरुद्ध जो है बार बार ये बात कह रहा है कि वो बोंदिता को एक तोहफा देना चाहता है और इस तोहफे से बोंदिता अपने लक्ष्य और अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन ये क्या होने वाला तोहफा, क्या ये मनोरमा के रूप में अनिरुद्ध उसे तोहफा देगा या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। वेल, जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।